अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अमरूद कठोरी फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही यूनिक और स्पेशल रेसिपी है। इसमें हम आटा गूंद कर उससे कठोरी बनाकर फ्रूट चाट सर्व नहीं करेंगे, बल्कि हम एक अमरूद को काट कर उसकी कटोरी बनाकर फ्रूट चाट सर्व करेंगे, जो कि बहुत ही स्पेशल और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। इस न्यू और स्पेशल रेसिपी को आप ज़रूर इफ्तार में बनाकर सर्व करें और सबकी तारीफ़ें बटोरें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये है हमारे फ्रूट चाट के इंग्रेडिएंट्स। फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 अदद आलू ले लेंगे। ये स्मॉल साइज़ आलू है, जिसको छील कर अच्छा साफ धोकर छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया है मैंने, देखिए इस साइज में। अब हम क्या करेंगे कि इस कट करे हुए आलू को उबाल लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है हमें। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हम और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर कर आलू को बॉईल करने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत यम्मी लगते हैं। अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद अब हम इसको पानी से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम चाट बनाकर तैयार करते हैं, जिसके लिए हम एक बॉल ले लेंगे और जिसमें मैंने काला चना और काबुली चना को बॉईल कर लिया था उसको डालेंगे, और ये चने की दाल है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें अनार और बारीक कटा हुआ सेब ऐड करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज और बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे हम इसमें। अब हम क्या करेंगे कि इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर से बीज निकाल कर अलग कर दिया था मैंने। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़े से शहतूत ऐड करेंगे। चूंकि हम कठोरी फ्रूट चाट बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि उसकी कठोरी बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 अदद अमरूद ले लिए हैं, जिसको मैंने ऊपर से और नीचे के साइड से इसका जो वेस्ट पार्ट होता है उसको निकाल कर अलग कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेंटर से काट लेंगे और इसको 1/2 में काट कर इस तरह से तैयार कर लेंगे, ताकि हम इसको कटोरी का शेप दे सकें, देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेंटर से जो इसका पल्प होता है उसको निकाल कर अलग कर लेंगे। इस तरह से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पका हुआ अमरूद ले लेंगे हम। अगर आप कच्चा अमरूद लेंगे तो इस तरह से पल्प निकालने में बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए थोड़ा सा पका हुआ अमरूद ले लेंगे हम। देखिए इस तरह से एक चम्मच की मदद से हमने इसमें सारा पल्प निकाल कर एक कटोरी की शेप दे दी है। अब हम क्या करेंगे, जो पल्प हमने निकाल लिया है उसको एक साइड में निकाल लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर कर जो हमने फ्रूट्स एक जगह कर लिए हैं उसमें ऐड कर देंगे। अमरूद के पल्प को वेस्ट नहीं करेंगे हम, देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर कर इसमें डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े से बॉल में सारे फ्रूट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि हम इसमें चंद स्पाइसेस मिला सकेंगे। ये हमने सेंधा नमक डाल लिया है आधी चम्मच, आधी चम्मच हम नमक डालेंगे इसमें, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे हम इसमें, और आधी चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे हम। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे हम इसमें और 2 चम्मच नींबू का जूस डालेंगे हम इसमें। आप अपने हिसाब से कोई भी स्पाइसेस मिला सकते हैं। अब हम सारे चाट को मिला लेंगे, क्योंकि चाट सभी की फेवरेट होती है और ये बहुत हेल्दी होती है, तो इसीलिए ये बहुत ज़बरदस्त और यम्मी रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी सेब डाल देंगे और थोड़ा सा अनार डालेंगे, थोड़े से पेरिस और ऐड कर देंगे हम। देखिए हमारा फ्रूट चाट बनकर तैयार हो चुका है, ये देखने में कितना यम्मी दिख रहा है, ये बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए अब हम इसको कटोरी में ऐड करते हैं। एक स्पून की मदद से हम इसमें ऐड कर देंगे। चाहे अगर आप तो अमरूद की बेस में कोई भी आप मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं,
देखिए देखने में कितना शानदार दिख रहा है। ये बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप मैदे या आटे से कटोरी बनाकर तैयार करने के बजाय कोई कौन से भी फ्रूट में इस तरह से फ्रूट चाट बनाकर डाल सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो चलिए, अब हमने सारे कटोरी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें ऊपर से चाट मसाला और सेव स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए ये फ्रूट चाट कितना खूबसूरत और यमी दिख रहा है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। ये बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है। आप इस रमज़ान इस रेसिपी को इफ्तार में बनाकर सर्व करें और सब लोगों की तारीफें बटोरें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।